हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको बताया कि हम क्लास 12 सीजीएस चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टडी कर रहे हैं। अभी तक इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट को कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन लिक्विड को स्टडी कर रहे हैं। आज इसको हम फिनिश कर लेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन लिक्विड में हमने सेल की बात की थी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दो तरह के सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने बात की थी इलेक्ट्रोलाइसिस और फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की, जहां जो मेन कंसेप्ट था वो क्या था, इलेक्ट्रिक एनर्जी हम अप्लाई करते थे और हमको केमिकल रिएक्शंस मिलती थी या फिर केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ये देखा था हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे मिलती है, केमिकल एनर्जी से। ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या फिर सिंपल सेल में। तो सिंपल सेल दो तरीके के होते हैं, या फिर कहें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरीके के होते हैं, एक तो प्राइमरी सेल और दूसरा सेकेंडरी सेल। दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, प्राइमरी सेल केवल डिस्चार्ज होते हैं, सेकेंडरी सेल डिस्चार्ज तो होती है, साथ में इनको हम चार्ज भी कर सकते हैं, फिर से बार बार रिचार्जिंग कर सकते हैं, डिस्चार्जिंग तो होता ही है। ठीक है, तो ये डिफरेंस रहता है मेन। प्राइमरी सेल में हमने बात की थी डैनियल सेल, लैक्रांशे सेल और ड्राई सेल की, कंप्लीट स्टडी किया था हमने, वहां पर सारी चीजें देखी थी। ठीक है, आज जो हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट सेकेंडरी सेल, जो कि लेड एक्यूमुलेटर, इसका एक कॉमन एग्जांपल है। जो हमारे घरों में बैटरी होती है वो लेड एक्यूमुलेटर होती है, जो बैटरी इन्वर्टर हम यूज करते हैं हमारे घरों में, जो लाइट आती है ना, एसी तो आता ही है, और फिर जब एसी लाइट अवेलेबल नहीं होता है तो हम डीसी को फिर से एसी में कैसे कन्वर्ट करा के यूज करते हैं। जो भी बैटरी हम अपने घरों में यूज करते हैं वो लेड एक्यूमुलेटर होती है, सिंपल सी बात। उस लेड एक्यूमुलेटर, जो भी हमारे घरों में बैटरी है उसकी हम बात करेंगे, तो डिस्चार्ज और चार्ज है ना, डिस्चार्जिंग और चार्जिंग दोनों ही प्रोसेस होते हैं। तो सेकेंडरी सेल सिंपल सी बात दोनों ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करा सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेल में केवल एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, मींस वो डिस्चार्ज होते हैं, केवल उनसे हम करंट ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी सेल या लेड एक्यूमुलेटर इनसे करंट ले भी सकते हैं और इनको करंट दे भी सकते हैं। जब इनसे करंट लेंगे तब डिस्चार्जिंग होगा, जब इनको करंट देंगे उस टाइम पे ये चार्ज होंगे। ठीक है, तो दोनों ही डायरेक्शन में इनमें करंट फ्लो करा सकते हैं वो लेड एक्यूमुलेटर। बैटरी की आज हम बात करेंगे, जो हमारे घर में बैटरी होती है 12 वोल्ट उसका ईएमएफ होता है, किस तरीके से वो 12 वोल्ट का ईएमएफ बनता है उसकी बात करेंगे। सिंपल लेड एक्यूमुलेटर का जो ईएमएफ होता है वो होता है लगभग 2 वोल्ट का, 2.05 वोल्ट का इसका ईएमएफ रहता है। तो उससे हम कैसे सीरीज कनेक्शन से 12 वोल्ट की एक बैटरी हमारे जो घरों में यूज होती है वो कैसे हम बनाते हैं इसकी हम बात करेंगे। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों को एक ही साथ हम आज देखेंगे इसमें। ओके, तो सबसे पहले यहां हम एक वेसल लेते हैं, ठीक है, चार्जिंग भी देखेंगे साथ ही डिस्चार्जिंग भी देखेंगे। ओके, पहले सिंपल बात कर लेते हैं, स्टैंडर्ड जो चीजें हैं उनकी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट होता है ये तो आप जानते ही हैं, है ना। तो डिस्चार्जिंग देखेंगे पहले, डिस्चार्जिंग सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो ये चार्ज करने की जरूरत ही नहीं होती, केमिकल एनर्जी से हमको डायरेक्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। तो डिस्चार्जिंग की बात पहले करेंगे, फिर चार्जिंग की बात करेंगे, क्योंकि जब वो कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाएगा तो उसको चार्ज कैसे करना है तो फिर हम बात करेंगे चार्जिंग की, है ना। तो डिस्चार्जिंग होती है वो कैसे होती है इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो सेल बना रहे हैं हम यहां पे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक यहां हम इलेक्ट्रोड लेंगे, अभी बात करेंगे कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, किस एलिमेंट का ये इलेक्ट्रोड होगा। एक इलेक्ट्रोड हमने ये ले लिया किसी दूसरे एलिमेंट का, तो दो इलेक्ट्रोड हो गए ये, है ना। ऐसे ही इसमें ले लेते हैं हम दो इलेक्ट्रोड। ओके, ये दो इलेक्ट्रोड हमने यहां ले लिए और इन दोनों में ही इलेक्ट्रोलाइट फिल होगा और ये इलेक्ट्रोलाइट में डिप हैं दोनों ही इलेक्ट्रोड इस सेल में। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा इसकी भी बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिस्चार्जिंग और चार्जिंग में करंट की डायरेक्शन क्या रहती हैं, किस तरीके से दोनों ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करा सकते हैं हम सेकेंडरी सेल में। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट फिल्ड रहता है, तो दो इलेक्ट्रोड। ओके, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो डिस्चार्जिंग कब होती है, सिंपल सी बात,
कि इससे हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिले, इस सेल से हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिले तो करंट हमें मिलेगा। सिंपल सी बात है, एक हम यहाँ बल्ब को कनेक्ट कर देते हैं, बल्ब लगा देते हैं हम, ठीक है, ये एक बल्ब हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया इस सेल से, तो ये ग्लो करेगा। क्यों करेगा ग्लो? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोलाइट इसमें भरा है, उसमें केमिकल रिएक्शन से हमको एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। इसको हम कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं, कंप्लीट देखा था हमने प्राइमरी सेल में, है ना, किस तरीके से ये नेगेटिव चार्ज आता है, किस तरीके से पॉजिटिव चार्ज आता है और किस तरीके से हमको एनर्जी मिलती है और ईएमएफ कैसे मेंटेन रहता है किसी भी सेल का। तो ये इसकी नॉर्मल वर्किंग होती है, किसी भी सेल की नॉर्मल वर्किंग है ये, है ना। डिस्चार्जिंग का जो प्रोसेस है ये नॉर्मल वर्किंग ऑफ एनी सेल या फिर ऑफ अ सेल। तो डिस्चार्जिंग का प्रोसेस इस तरीके से रहता है। इसमें होता क्या है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर करंट लीव करता है, है ना। करंट की डायरेक्शन क्या रहती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल रहती है, ये बात कर चुके हैं हम इलेक्ट्रिक करंट में, है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये करंट की डायरेक्शन होगी। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर करंट जब लीव कर रहा है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर अगर करंट एंटर कर रहा है तो वो होता है डिस्चार्जिंग, सिंपल। अब चार्जिंग कब होगा? देखिए जब ये कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाएगा, ईएमएफ अगर ये आइडियल सेल है तो वही रहेगा, इसका मेंटेन रहेगा, ठीक है। लेड एक्यूमुलेटर का जो ईएमएफ होता है लगभग 2 वोल्ट का होता है, अगर 2.05 वोल्ट रहता है एक्चुअल में ईएमएफ इसका, अगर ये लेड एक्यूमुलेटर है तो 2.05 वोल्ट इसका ईएमएफ रहेगा। अगर ये कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया है, ठीक है, जब ये कंप्लीटली चार्ज रहता है तो इतना ईएमएफ रहता है इसका। अभी तो चार्ज क्या, केमिकल रिएक्शन से ही हमको फर्स्ट एनर्जी मिल जाती है, सेकंड टाइम इसको हम चार्ज करते हैं। तो जब ये कंप्लीट चार्ज होता है, है ना, फर्स्ट टाइम इसका इतना ईएमएफ रहता है, अगर ये आइडियल नहीं है तो ये कम हो जाता है, 1.8 वोल्ट रह जाता है, ठीक है। आइडियल सेल का ईएमएफ तो यही रहेगा, चाहे वो डिस्चार्ज हो जाए, कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाए तब भी ईएमएफ वही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये आइडियल सेल तो होते ही नहीं है, सिंपल सी बात है, तो ये इतना रह जाता है, कम हो जाता है इसका जो ईएमएफ है ये, ठीक है। चलिए ये कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया, अब डिस्चार्ज हो गया, ईएमएफ तो इतना ही है इसका, अभी भी ये वाली कंडीशन आ गई। अब हम इसकी चार्जिंग की बात करेंगे, ठीक है, इसे हमें चार्ज करना है। चार्ज फिनिश हो गया, जो भी हमने यहाँ पे चार्ज फिनिश होने का मतलब क्या होता है, इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इसकी बात करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी लो हो जाती है तब ये कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कितना होता है विद रिलेटिव टू वाटर, वाटर के साथ ही इलेक्ट्रोलाइट का हम सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, तो वो होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तब ये कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाता है जब इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लो हो जाती है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है उससे कम हो जाती है, तब ये डिस्चार्ज हो जाता है कंप्लीटली। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी, सिंपल सी बात कहें तो हम 1.20 से लेके 1.28 ये स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है किसकी, लेड एक्यूमुलेटर की, ठीक है। अगर ये 1.15 वोल्ट अगर रह जाती है, सॉरी वोल्ट नहीं, एक सिंपल फैक्टर वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर इतना स्पेसिफिक ग्रेविटी रह जाती है इसके जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो भी है, है ना, इसमें जो डायल्यूट H2SO4 है, जो भी H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है इसमें जो हमने लिया है, वाटर के साथ सॉल्यूशन लिया है, तो वाटर के कंपैरिजन में अगर कम हो जाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है सल्फ्यूरिक एसिड की, है ना, एक स्टैंडर्ड वैल्यू से, इस वैल्यू से, तो उस कंडीशन में ये कंप्लीट डिस्चार्ज माना जाता है। तो जब कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर हम इसे चार्ज कैसे करते हैं? चार्ज करने के लिए इस ईएमएफ से ज़्यादा ईएमएफ का हम एक इलेक्ट्रिक सोर्स लगाते हैं और एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं, ठीक है, दिस, क्योंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो यहाँ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, तो एक एक्सटर्नल सोर्स हम लगाएंगे और वो एक्सटर्नल सोर्स इसे चार्ज करेगा। जब यहाँ ज़्यादा ईएमएफ का हम एक्सटर्नल सोर्स लगाएंगे, इसका ईएमएफ कम है, इसका ईएमएफ है 2.05 वोल्ट, अगर इसका ईएमएफ है 3 वोल्ट, है ना, तो क्या होगा, ये वाला पहले क्या हो रहा था, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा था पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन यहाँ क्या होगा, ये वाला ईएमएफ ज़्यादा है तो इसका करंट ज़्यादा डोमिनेट करेगा तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी अब करंट की, है ना, ये कुछ इस तरीके से पॉजिटिव लाइक दिस और ये नेगेटिव कुछ इस तरीके से एग्जिट करेगा फिर करंट, ठीक है, यहाँ से लीव करेगा, यहाँ फिर एंटर करेगा, ठीक है। तो डिस्चार्जिंग के टाइम पे
पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से करंट अगर लीव कर रहा है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर करंट एंटर कर रहा है तो वो डिस्चार्जिंग। चार्जिंग के टाइम पे अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर करंट एंटर कर रहा है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड से करंट लीव कर रहा है तो वो होती है चार्जिंग। ठीक है, दिस इज डिस्चार्जिंग, ठीक है, और दिस इज चार्जिंग। चार्जिंग के टाइम पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर करंट एंटर करेगा और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर करंट एग्जिट करेगा। ठीक है, सो दिस इज चार्जिंग। और जो डिस्चार्जिंग होती है इसमें क्या हो रहा था, केमिकल एनर्जी से हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रही थी, केमिकल एनर्जी से हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रही थी, है ना, नॉर्मल वर्किंग ऑफ सेल में। यहां क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से हमको केमिकल एनर्जी मिलेगी, जब ये चार्ज होगा तो केमिकल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, उसी केमिकल एनर्जी को हम फिर से जब डिस्चार्ज करेंगे इसे हटा देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे, फिर से ये चार्ज हो जाएगा कंप्लीटली, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इस वैल्यू तक फिर से आ जाएगी क्योंकि लो हो गई थी, फिर से ये हमको क्या देगा, करंट देगा। तो यहां क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हमने एक्सटर्नल सोर्स लगाया है इलेक्ट्रिक का, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह है कुछ इस तरीके से, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने बताया था कि केमिकल एनर्जी से हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है, लेकिन जब चार्ज करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक एनर्जी तो हमको अप्लाई करनी ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक एनर्जी अप्लाई करेंगे तो सिंपल सी बात है कि केमिकल एनर्जी ही हमको मिलने वाली है, है ना, क्योंकि ज्यादा ईएमएफ का है सोर्स जो भी हमने यूज किया है। तो कुछ इस तरीके से ये प्रोसेस रहता है। अब बात करें जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है, इन दोनों में इलेक्ट्रोलाइट फील्ड है, तो जो लेड एक्यूमुलेटर है इसमें जो अब इसे हटा देते हैं, जो भी बल्ब कनेक्ट किया इसे हटा देते हैं, बात करते हैं। ठीक है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो होता है इसका लेड का पीबी। ओके, बात करेंगे नेगेटिव क्यों होता है ये, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव को भी यहाँ से हटा देते हैं चीज़ों को, है ना। और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, अभी बात करेंगे क्यों होता है पॉजिटिव ये, तो ये होता है लेड परऑक्साइड का PbO2। ओके, और जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है वो सिंपल H2SO4, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन रहता है वाटर के साथ, ठीक है, प्लस वाटर, तभी बनता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो डाइल्यूट H2SO4 प्लस वाटर, है ना, इसकी जो वैल्यू होती है H2SO4 की, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मींस देखिए ये है, हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ H2SO4 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की कंपैरिजन में कितना H2SO4 है, H2SO4 की डेंसिटी कितनी है। अभी H2SO4 की जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी तो इसकी डेंसिटी भी कम हो जाएगी, है ना, जब कम हो जाएगी तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये रहता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना, H2SO4 की डेंसिटी कंपेरिजन टू वाटर, दिस, तो ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर ये इतनी है स्टार्ट में तो ये फुल्ली चार्ज्ड होता है इस रेंज में है तो, ठीक है, और जब ये लो हो जाएगी वैल्यू, है ना, जब इसकी जो डेंसिटी है वो इतने टाइम्स ही रह जाएगी वाटर के डेंसिटी के, तो उस कंडीशन में इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। सिंपल सी बात ये, देखिए ऐसे समझिए इसे, अगर इसमें 100 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, ठीक है, 100 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं तो जो H2SO4 है वो कितना है, लगभग अगर स्टार्ट में 100 मॉलिक्यूल इसके हैं और मान लीजिए कि 70 मॉलिक्यूल्स इसके हैं, इस तरीके से है, ठीक है, धीरे धीरे करके क्या होगा कि ये कम होता जाएगा, है ना, 70 से 60 मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे, क्योंकि ये जैसे जैसे केमिकल एनर्जी चेंज होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी में तो H2SO4 के जो मॉलिक्यूल्स है ना कम होते जाएंगे इसके कंपेरिजन में, है ना। वैसे यहाँ पर हम जब वैल्यूज निकालेंगे, ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल से बताया था मैंने, यहाँ अगर वैल्यू निकालेंगे तो 1 से ज़्यादा है ना, तो जो डेंसिटी है H2SO4 की ज़्यादा रहेगी कंपैरिजन टू वाटर, है ना, तो कुछ इस तरीके से कहेंगे हम H2SO4 की जो डेंसिटी है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ H2 जो भी वाटर है, है ना, तो ये 1.20 और इसके बीच में है, है ना, वैसे ही डेंसिटी तो ज़्यादा रहेगी ही इसकी वाटर से, तो रहेगी कितनी ज़्यादा वो डिपेंड करेगा, है ना, लाइक दिस 1.20, अगर ये 1.25 हुई, 1.15, तो उस टाइम पे ये लो रह जाएगी, उस टाइम पे ये डेड हो जाएगा, मीन्स डेड नहीं, डिस्चार्ज हो जाएगा, कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाएगा, ये बात है। ठीक है,
तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले टाइम पे ये डिस्चार्ज हो जाता है कम्प्लीटली, जब कितनी हो जाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.15 वोल्ट नहीं है ये, ध्यान रखना एक सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्योंकि डेंसिटी का ही ये रेशियो है, ठीक है, डेंसिटी का रेशियो है तो एक यूनिट लेस क्वांटिटी होगी ये स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब होता क्या है एक्चुअली इस कंडीशन में, जब यहाँ इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ H2SO4 प्लस वाटर का सॉल्यूशन है तो इसे तो हटाई देते हैं, सिंपल सी बात है सॉल्यूशन है, H2SO4 डिसोसिएट हो जाएगा H प्लस और SO4 माइनस सल्फेट आयंस में, ठीक है, तो दो H प्लस आयन है और ये SO4 माइनस आयन है। तो देखिए जो SO4 माइनस माइनस है, जो सल्फेट आयन है, वो जाते हैं लेड वाले, जो लेड एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सिंपल सी बात देखिए, जब SO4 माइनस माइनस यहाँ मूव करना स्टार्ट करते हैं तो इसका ये नेचुरल प्रोसेस होता है, ये पहले भी हम बात कर चुके थे प्राइमरी सेल में कि किस तरीके से ये इनकी टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज होने की। तो ना SO4 माइनस माइनस जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस्ट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट होता है तो वो ऑक्सीडेशन होता है ना, तो इसकी जो टेंडेंसी है लेड की, यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड की टेंडेंसी है, जो भी SO4 माइनस माइनस जो सल्फेट आयन है ये आके अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना, सिंपल। तो ये अपने दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे तो यहाँ 2- के बराबर चार्ज आ जाएगा और यहाँ सल्फेट जो है अपने सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर एक एटम बन मिल जाएगा यहाँ पे SO4 का, ठीक है, और वो जो SO4 का जो एटम है वो रिएक्ट करेगा इस इलेक्ट्रोड से, जो कि लेड का इलेक्ट्रोड है, लेड एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोड है, इसे रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके ये PbSO4 बना लेगा, ठीक है, PbSO4 यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा इसी इलेक्ट्रोड पर। तो सिंपल सी बात, जो लेड इलेक्ट्रोड हमने लिया था उसकी जो सब्सटेंस है वो धीरे धीरे करके कम होते जाएंगे और वो PbSO4 में कन्वर्ट होते जाएंगे और यहीं पर ये डिपॉजिट होता जाएगा, ठीक है। तो पीवी का सिंपल है कि यूज़ हो रहा है ना, पीवी जो एलिमेंट है इसका यूज़ हो रहा है धीरे धीरे करके, जैसे जैसे हम ये इसे डिस्चार्ज करेंगे, जैसे जैसे हम बल्ब जलाएंगे तो ये पीवी जो है कम होता रहेगा, जो इलेक्ट्रोड है पीवी ये घटता जाएगा और PbSO4 बढ़ता जाएगा, यहाँ डिपॉजिट होता जाएगा, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो सिंपल सी बात है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, तो ये नेगेटिवली चार्ज होगा, सिंपल सी बात है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह सकते हैं हम उसको, जो भी पोटेंशियल हमको मिलेगा नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पर होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ाया तो, और सिंपल सी बात ये है, हमने ये देखा था कि ऑक्सीडेशन वहाँ एनोड वो होता है जहाँ पर करंट एंटर करता है, तो यहाँ सिंपल सी बात है करंट एंटर ही करेगा, जब हम एक बल्ब लगाएंगे कुछ इस तरीके से तो क्या होगा, करंट एंटर ही करेगा, और जहाँ करंट एंटर करता है वो एनोड होता है, ये क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा, ठीक है, और एनोड पर ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन सल्फेट आयन का यहाँ होता रहेगा, सिंपल, ठीक है। और दूसरा प्रोसेस क्या होगा, ये जो 2H प्लस है इसे तो भी हटा देते हैं यहाँ से, जो 2H प्लस हैं या फिर कहें H प्लस आयन है, ये मूव करेंगे इस PbO2 या लेड परोक्साइड इलेक्ट्रोड की डायरेक्शन में, यहाँ पहुँचेंगे ये 2H प्लस, ठीक है, तो यहाँ कैथोड बनेगा, सिंपल सी बात है, जब एनोड बन गया तो यहाँ कैथोड ही बनेगा, है ना, जहाँ से करंट लीव करता है वो कैथोड होता है, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, हाई पोटेंशियल आएगा, आएगा किस तरीके से, ये जो 2H प्लस आयन है ये अपना पॉजिटिव चार्ज इसे दे देंगे, और किस तरीके से देंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। तो एनोड पर क्या, सॉरी कैथोड पर क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ है, एनोड पर, ठीक है, एट एनोड पर ऑक्सीडेशन हो गया, या फिर कहेंगे इसके पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ रिडक्शन होगा, है ना, रिडक्शन, और पोटेंशियल जो भी पोटेंशियल आएगा उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे, ओके। तो रिडक्शन पोटेंशियल जो बनेगा किस तरीके से बनेगा, और ये बनेगा कहां पर, ये बनेगा कैथोड पर, ठीक है, एट कैथोड, ओके। तो ये जो एच आयन है 2H प्लस आयन क्या करेंगे, यहां से दो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे इस PbO2 से, लेड परोक्साइड से दो इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन लेके ये एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे 2H, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, सिंपल सी बात है, इसका चार्ज चला जाएगा और ये अपने एटम में कन्वर्ट हो जाएगा 2H। अब ये 2H PbO2 के साथ मिलेगा, PbO2 जो कि इलेक्ट्रोड है PbO2 लेड परोक्साइड का, ये 2H के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद ये
बनाएगा यहाँ पर PbO प्लस H2O, साथ में वाटर बनेगा और PbO बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा और साथ में H2O बनेगा वाटर, ठीक है। क्योंकि ये PbO यहाँ बनाएगा ही बनाएगा, यहाँ पर PbO तो बनना ही है, प्लस वाटर भी बनेगा और ये किस में डिप है ऑलरेडी, H2SO4 में तो डिप है ही, ये है ना H2SO4 तो भरा हुआ है ही इसमें, तो साथ ही ये PbO जो है जहाँ H2SO4 भरा हुआ है इसमें फील्ड है तो उसके साथ रिएक्ट करेगा। PbO किसके साथ रिएक्ट करेगा? H2SO4 के साथ। तो फिर से यहाँ पर भी PbSO4 बनेगा और बचेगा कौन? वाटर। दो चीज़ें यहाँ मिलेंगी हमको, PbSO4 एयर और H2O, ठीक है। तो देखिए जो H2O और PbSO4 यहाँ हमको मिल रहा है, तो यहाँ पर भी हमको PbSO4 मिला था, यहाँ पर भी PbSO4 मिला था, ये भी डिपॉजिट हुआ था, ठीक है, डिपॉजिटेड, और ये भी डिपॉजिटेड होगा, ठीक है। तो यहाँ PbSO4 डिपॉजिटेड हुआ था और यहाँ पर भी क्या डिपॉजिटेड होगा? PbSO4 ये भी यहाँ डिपॉजिटेड होगा। तो दोनों ही इलेक्ट्रोड्स पर PbSO4 डिपॉजिट होगा और दोनों ही इलेक्ट्रोड जिस एलिमेंट के हैं वो एलिमेंट धीरे धीरे कम होता जाएगा जैसे जैसे ये डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ हुआ क्या एक्चुअल में कि ये दो इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा, सॉरी ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, किससे लेगा? PbO2 से दो इलेक्ट्रॉन लेगा, कौन? 2H+ यहां जब जाएगा तो इससे दो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा क्योंकि ये तो न्यूट्रल है ना, कंप्लीटली कोई भी मैटर जो मटेरियल न्यूट्रल रहता है इलेक्ट्रिकली, तो यहां क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज बचेगा, दो इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा जो कि अपना सब्सटेंस बना लेता है 2H, तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा इस पर? पॉजिटिव चार्ज, है ना। और देखिए वो प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है, पहले कंडीशन क्या होगी, धीरे धीरे करके यहाँ कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पर और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा धीरे धीरे करके। फिर इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी, कैसे आ जाएगी कि इसमें पॉजिटिव आयन तो है ही और नेगेटिव आयन भी है इसमें, जब इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसके चारों तरफ कौन खड़ा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, जैसे हमने प्राइमरी सेल में देखा था, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल आया है इस पर तो इसके चारों ओर कौन खड़ा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज, है ना। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन कुछ इस तरीके से होगी। इसके बाद सिर्फ आगे ये प्रोसेस रुक जाता है, मीन्स बैलेंस हो जाता है, जितना ये नेगेटिव आया उतना ही सामने से आके खड़ा हो गया। अब ये जो SO4 माइनस हैं ये यहाँ नहीं पहुँच पाते, क्यों नहीं पहुँच पाते? क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है ये चारों तरफ से पॉजिटिव चार्ज ने इसको रोक लिया है ना। तो यहाँ ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि 2H+ हैं ये, है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ पाते क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स खड़े हो गए, सामने से नेगेटिव चार्ज खड़ा हो गया तो इससे इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाते क्योंकि ये रिपेल्ड करता है, है ना। और ये जो SO4 माइनस है ये फिर यहाँ नहीं पहुँच पाता क्योंकि यहाँ पे जो SO4 माइनस है ये ज़्यादा ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स ये से दे नहीं पाता। ये चीज़ें हम कंप्लीट इसका वाइड स्टडी की थी, वो हमने प्राइमरी सेल में आप उसे देख सकते हैं कि क्यों ये आगे नहीं जा पाता, इक्विलिब्रियम की कंडीशन कैसे आती है, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ स्टडी की थी। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके चारों तरफ खड़ा रहता है, तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। इस कंडीशन में इसको नेगेटिव चार्ज मिल गया, ये नहीं कि साइड में, ये तो इलेक्ट्रोलाइट वाला पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोलाइट वाला नेगेटिव है ना, जो सल्फेट आयन है इसके चारों तरफ से आके खड़े हो गए, है ना। तो ये SO4 माइनस माइनस है ये और नहीं जा पाता इसमें क्योंकि ये रिपेल्ड होता है फिर, है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है इस पर तो ये रिपेल्ड करता है SO4 माइनस माइनस को, यहाँ पहुँचने नहीं देता, है ना। तो वो वाली चीज़ है क्यों यहाँ SO4 माइनस माइनस नहीं पहुँच पाते। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन कुछ इस तरीके से आ जाती है और ये इसका EMF एक सेट हो जाता है इस वैल्यू पर, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, एक बल्ब लगा देते हैं और बल्ब लगा के जैसे ही एक नेगेटिव इससे फ्लो करके जाता है क्योंकि नेगेटिव की टेंडेंसी होती है पॉजिटिव वाले की तरफ जाना। ये देखिए इस नेगेटिव और पॉजिटिव को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, है ना, क्योंकि आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, ये नेगेटिव पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है। जब एक नेगेटिव चार्ज यहाँ से जाके इसको डिफ्यूज कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, तो क्या होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर से जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है वो उसकी जो एनर्जी है उससे फिर एक SO4 माइनस भेजेगा, यहाँ पर और माइनस चार्ज आ जाएगा, है ना, एक कम हो गया था फिर एक और बढ़ जाएगा। वैसे ही यहाँ एक 2H+ पहुँचेगा, वो अपना एक पॉजिटिव चार्ज दे देगा। तो कुछ इस तरीके से ये प्रोसेस रहता है और ये मेंटेन रहता है इसका EMF। तो ये प्रोसेस रहता है रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ हमको पॉजिटिव पोटेंशियल मिलता है, यहाँ हमको नेगेटिव पोटेंशियल मिलता है कैथोड पर, ठीक है। बात डिपॉजिट PbSO4 हुआ। अच्छा, यूज़ किस किस का हुआ है? देखिए PB यूज़ हुआ है, ठीक है बात, और क्या यूज़ हुआ है?
पीवी ओ टू यूज हुआ है, दोनों ही इलेक्ट्रोड जो भी एलिमेंट है वो यूज हो रहे हैं, मीन्स कम हो रहे हैं, है ना। और देखिए क्या यूज हो रहा है, एच टू एस ओ फोर, क्योंकि इसी की वजह से ये एस ओ फोर माइनस और टू एच प्लस माइनस, टू एच प्लस गए हैं दोनों ही इलेक्ट्रोड्स पर, ठीक है। और पी बी ओ के साथ भी एच टू एस ओ फोर यूज हुआ है, तो ये चीज़ें यूज हुई हैं खूब, है ना, यूज हुए हैं ये चीज़ें। और क्या यूज हुआ है, दिस, ठीक है। तो एच टू एस ओ फोर यूज हो रहा है ना। एच टू एस ओ फोर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एच टू ओ के साथ जितने भी थे वो यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हैं, कम हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, मीन्स इसकी ग्रेविटी लो हो रही है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो धीरे धीरे करके कम हो रही है, मीन्स एच टू एस ओ फोर की जो डेंसिटी है वो घट रही है ना, हल्का हो रहा है, पहले हैवियर था, है ना, लेकिन अब हल्का हो रहा है धीरे धीरे करके। तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा जब इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इस वैल्यू तक रह जाएगी, 1.15 तक रह जाएगी, तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा सेल कंप्लीटली, ये बल्ब बुझ जाएगा। फिर उस कंडीशन में हमको इसे फिर से चार्ज करना होगा, और चार्ज करने का जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, चार्ज करने के लिए मैंने पहले ही बताया था आपको कि एक हाई ईएमएफ का हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स कनेक्ट कर देते हैं उसी सेल से। अब ये मान लीजिए कि ये डिस्चार्ज हो गया कंप्लीटली, इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए जैसे ही हम यहाँ कनेक्ट करेंगे इस बल्ब को हटा के, हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट कर दिया यहाँ पर। एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट किया, ये क्या था पीबी, और ये क्या था पीबी ओ टू, लेड परऑक्साइड, है ना। तो हुआ क्या कि जब ये जो नेगेटिव टर्मिनल हमने यहाँ कनेक्ट किया, क्योंकि इसको नेगेटिव चार्ज ही देना है, है ना, तो नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट करेंगे हम, ठीक है। इसे पॉजिटिव चार्ज देना है क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, हाई पोटेंशियल पर है, तो इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया बैटरी के से। तो यहाँ होगा क्या, एक्चुअल में इसमें एच टू एस ओ फोर तो भरा हुआ है ही, जिसकी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी लो हो गई है, कंसंट्रेशन लो हो गई है विद रिलेटिव टू वाटर, है ना। तो इसमें एच प्लस तो है ही, एस ओ फोर माइनस भी है भाई, कम हुई है, लो हुई है, ऐसा नहीं है कि इसमें से एच टू एस ओ फोर खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी है, डिस्चार्ज वाला कंडीशन है ये, अभी भी एच टू एस ओ फोर है, और एक एक्सटर्नल सोर्स हमने लगा दिया है। अब एक्सटर्नल सोर्स यहाँ हमने लगा दिया है एक्सटर्नल सोर्स, तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो क्योंकि यहाँ ये नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा पूरा ही इलेक्ट्रोड, और ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा पूरा ही इलेक्ट्रोड, ये कंडीशन अलग थी, आप ये नहीं समझेंगे, है ना। यहाँ हमने दिया था इसको नेगेटिव पोटेंशियल दिया था पहले, ये बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज था स्टार्ट में, दोनों ही न्यूट्रलाइज थे, इसको हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया, इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, लेकिन यहाँ क्या है, अब ये डिस्चार्ज हो गए हैं, तो ऑलरेडी इसको हमने हाई ईएमएफ वाली बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ ये नेगेटिव पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है। अब जो इलेक्ट्रोलाइट वाले जो कि मूव करना बंद कर दिया था इन्होंने, एच टू एच प्लस और एस ओ फोर माइनस, यानी कि एच आयन, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन ने मूव करना बंद कर दिया था, लेकिन अब ये फिर से मूव करना स्टार्ट कर देंगे जैसे ही हम एक बैटरी लगाएंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी समझिए इसे, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल है ये पूरा पूरा, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इनको, हाइड्रोजन आयन को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, तो ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। अब इसकी रिएक्शंस क्या होंगी, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं चार्जिंग के टाइम पे। तो देखिए, एच प्लस यहाँ पहुँचेंगे, तो हम यहाँ बात कर लेते हैं टू एच प्लस लेके चलते हैं, जब एच प्लस यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन लेगा ये, है ना, इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, इसी से लेगा, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है भाई बैटरी का, यहाँ से मान लिया दो इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने, 2H प्लस यहाँ पहुँचे, दो आयन पहुँचे हाइड्रोजन के, इन्होंने दो इलेक्ट्रोड्स ले लिए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर ये अपने एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बात। अब देखिए, ये जो SO4 माइनस है, ये देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इट मीन्स दिस इज रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। अब देखिए, रिडक्शन होगा, रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर, तो अब ये कैथोड कहा जाएगा, पहले पीवी वाला एनोड कहा जा रहा था, लेकिन अब इसे हम कहेंगे कैथोड, ठीक है, ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है, अभी ऑक्सीडेशन देखेंगे। तो देखिए, यहाँ 2H मिलेगा हमको, ठीक है, अब ये जो 2H है, ऑलरेडी यहाँ PbSO4 डेपोजिटेड है, ऑलरेडी यहाँ पर PbSO4 डेपोजिटेड है, और यहाँ भी PbSO4 डेपोजिट है ना, क्योंकि दोनों ही केसेस में PbSO4 डेपोजिट हो गया था जब ये डिस्चार्ज हुआ था कंप्लीटली। तो यहाँ पर 2H को कौन मिलेगा, यहाँ पर PbSO4 भी मिलेगा,
H2H को PbSO4 भी मिलेगा। अब ये H2H और SO4 मिलके क्या बनाएगा, H2SO4 प्लस Pb, क्योंकि Pb हमारा पहले खत्म हो रहा था धीरे धीरे करके, तो अब क्या होगा फिर से हमको ये रिस्टोर हो जाएगा, है ना। Pb यहाँ यूज हुआ था यूज, अब यहाँ देखिए फिर से हमको Pb मिल गया, रिस्टोर हो गया Pb, पहले ये यूज हो गया था, फिर से ये धीरे धीरे करके रिस्टोर होगा। साथ ही हमको देखिए H2SO4 इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कम हो गई थी, कंसंट्रेशन कम हो गई थी, H2SO4 के मॉलिक्यूल्स कम हो गए थे, तो फिर से हमें देखो H2SO4 भी मिल रहा है, फिर से ये भी रिस्टोर हो रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है बात। तो दोनों ही ये रिस्टोर हो गए, हो रहे हैं जैसे जैसे करके ये चार्ज होगा। चार्जिंग का मीन्स ये नहीं है डायरेक्टली यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं आता, चार्जिंग का मीन्स है कि केमिकल एनर्जी हमको मिलती है, जो हमारी केमिकल एनर्जी लॉस्ट, केमिकल रिएक्शन, केमिकल हमारे लॉस्ट हो गए थे, फिर से वो हमको रिस्टोर हो जाते हैं, है ना, किससे, चार्जिंग करने से। ये नहीं कि यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया है, क्योंकि हमको अपनी केमिकल्स मिल जाएंगे फिर से, तो ये फिर से केमिकल्स क्या करेंगे, EMF तो है ही इसका मेंटेन रहता ही है, ये फिर से हमको चार्ज देंगे, फिर से केमिकल रिएक्शंस होंगी वही वाली, कैसे करके कि जब हम इसे हटा देंगे यहाँ से इस सोर्स को, तो फिर से वही चीज़ स्टार्ट हो जाएगी, ये 2H इधर मूव करेंगे फिर SO4 इधर मूव करेगा, फिर हमको एनर्जी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव से कनेक्ट करके यहाँ नेगेटिव चार्ज आया है, इनडायरेक्टली कहते हैं हम इस चीज़ को कि यहाँ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव से कनेक्ट किया तो यहाँ नेगेटिव बढ़ गया, पॉजिटिव से कनेक्ट किया तो पॉजिटिव बढ़ गया, ऐसा नहीं है, चार्ज इकट्ठा नहीं होता है यहाँ पर इस तरीके से। होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पर इनडायरेक्टली हमको हमारे जो केमिकल्स हैं वो हमको रिस्टोर हो जाते हैं, फिर से वो जो केमिकल्स हैं वो मूव करना स्टार्ट करते हैं, जब भी हम कोई बल्ब लगाते हैं या फिर कुछ भी रेजिस्टेंस लगाते हैं तो वो फिर से डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो हमको फिर से वहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है, केमिकल एनर्जी से ही मिलती है, फिर भी ये नहीं है कि ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा हो गया उससे मिलती है, ठीक है बात। दिस इज, तो हुआ क्या, ये चीज़ हमको रिस्टोर होगी धीरे धीरे करके, तो ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। बात करेंगे इसकी, एनोड होगा ये, एनोड वो होता है जहाँ पर करंट एंटर करता है, ये हम जानते हैं अपनी फिजिक्स में, है ना, यहाँ करंट एंटर कर रहा था तो ये था एनोड, यहाँ करंट एंटर कर रहा है तो ये है एनोड। तो एनोड पर क्या होगा, यहाँ पर दिस रिडक्शन प्रोसेस कहाँ हुआ है, इसको हम नोट कर देते हैं, दिस इज एट कैथोड। अब इस कंडीशन में कैथोड अलग है और एनोड दूसरा है, ठीक है, हाँ। और यहाँ बात करें तो एट एनोड, एनोड पर क्या होगा, एनोड पर, एनोड पर देखिए SO4 माइनस माइनस यहां पहुंचेंगे, ठीक है, क्यों पहुंचेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो SO4 माइनस माइनस यहां पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट करेगा और SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो एट कैथोड क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट कर दिए किसने, सल्फेट आयन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट कर दिए और SO4 में ये कन्वर्ट हो गया है, ठीक है बात। अब SO4 यहां पहुंचेगा और यहां क्या मिलेगा इसको, देखिए ये PbSO4 और H2O, ठीक है, PbSO4 और सॉरी ये H2 ही लिखा था, ओनली H2O भी था साथ में, PbO और H2O ये था, है ना। अब PbO ने इससे रिएक्ट किया था किसे, H2SO4 से, तो ये चीज बनी थी PbSO4 और H2O, फाइनली PbSO4 डिपॉजिट हुआ था और साथ में क्या था, प्लस वाटर भी था, है ना, इसे हटा देते हैं, PB और जो भी कन्वर्ट हुआ था, फाइनली तो PbSO4 प्लस H2O बना था, है ना। जब SO4 यहां पहुंचेगा तो इसको क्या मिलेगा, यहां पर PbSO4 मिलेगा साथ में प्लस में H2O वाटर भी मिलेगा वहां पर, है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट तो है ही तो वाटर तो वैसे भी है इसमें, है ना। तो PbSO4 प्लस H2O, PbSO4 प्लस H2O, इसको कौन मिलेगा, इसको मिलेगा SO4, ठीक है, सल्फेट आयन ही तो मिलेगा, जब सल्फेट आयन यहां पहुंचेगा तो इससे क्या करेगा, इसको दो इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहां पे ये दो पॉजिटिव चार्ज को ये न्यूट्रलाइज कर देगा, फिर से यहां से और पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये वाली रिएक्शन देखते हैं, पहले से ऑलरेडी क्या था यहां पर, PbSO4 प्लस H2O तो था ही, तो वो PbSO4 प्लस H2O जो कि यहां पर मिल गया था हमें, तो वो हमको फिर से चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, PbO2 में चेंज करना है। तो देखिए PbO2 में किस तरीके से चेंज करेंगे हम, इसे यहां पर कर देते हैं 2,
ठीक है। तो यहां हमको मिलेगा PbO2 चाहिए, क्योंकि हमारा PbO2 एलिमेंट ही तो यूज हुआ था, है ना, PbO2 का ही तो, ये लेड परोक्साइड का ही तो था ये इलेक्ट्रोड, तो लेड परोक्साइड हमारा यूज हुआ था दिस, तो इसको हमें फिर से रिस्टोर करना है, तभी तो ये चार्ज माना जाएगा। देखिए ये खत्म हो गया था, Pb कम हो रहा था, PbO2 कम हो रहा था, अब फिर से PbO2 को बढ़ाएंगे, Pb तो हमने बढ़ा दिया कहां रिडक्शन वाले केस में, ठीक है। तो कैसे बढ़ेगा, PbO2 ये मिल गया, और यहां से 2H2 मिलेंगे और SO4 SO4 दो ये रहे, तो प्लस 2H2 SO4, ठीक है। तो देखिए ये फिर से रिस्टोर हुआ, दिस इज रिस्टोर, और H2SO4 भी रिस्टोर हो रहा है। तो धीरे धीरे करके समझ में आ रहा होगा कि जो कंसंट्रेशन है H2SO4 की जो कम हो गई थी, मॉलिक्यूल्स कम हो गए थे, फिर से वो हमें वापस मिल रहा है, मींस हमारी चार्जिंग हो रही है ना, क्योंकि हमको फिर से एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। तो फिर से इसकी जब स्पेसिफिक ग्रेविटी इस रेंज में पहुंच जाएगी, तो फिर से हमको करंट देने लगेगा, है ना, इसका जो ईएमएफ है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ईएमएफ तो वही रहेगा, हमको करंट मिलने लगेगा, ठीक है, जो कि डिस्चार्ज हो गया था, ये ईएमएफ तो मेंटेन रहता है, अगर आइडियल सेल है तो 2.05 वोल्ट ही रहेगा। तो एक लेड एक्यूमुलेटर का जो ईएमएफ होता है वो होता है 2.05 वोल्ट, इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये बात होती है ना। तो ये जैसे जैसे करके हम इसे चार्ज करेंगे तो ये चीज़ हमारी रिस्टोर हो जाएंगी जो कि पहले यूज हो गई थी, है ना। तो ये चार्जिंग का प्रोसेस है, दिस इज डिस्चार्जिंग का प्रोसेस, सो दिस इज लेड एक्यूमुलेटर डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग, ठीक है। अच्छा बात करेंगे हम इसमें अब कि जो हमारा प्रैक्टिकल बैटरी जो होती है, लेड एक्यूमुलेटर की जो बैटरी होती है हमारे घरों में, वो किस तरीके से रहती है, क्योंकि वो तो 6 वोल्ट की होती है ना। अब एक चीज़ और है यहाँ पर, सॉरी 12 वोल्ट की होती है वो, तो 2 वोल्ट की है ना, दो वोल्ट के हम 6 सेल सीरीज में लगाएंगे तो हमको 12 वोल्ट मिल जाएगा, है ना। उससे पहले हम यहाँ एक चीज़ और देख लेते हैं कि देखिए इसकी जो कैपेसिटी होती है सेल की, 2 वोल्ट तो है इसका ईएमएफ, अब हमको चार्ज कितना इकट्ठा हो रहा है इसमें वो भी चीज़ यहाँ पर मानी जाएगी, है ना। कैसे, देखिए जब चार्ज कम रहेगा तो हमको कम टाइम में ही ये डिस्चार्ज हो जाएगा, भले ही इतना ही है, ईएमएफ तो वही रहेगा, ठीक है। जब भी मैं बात करूँ कि ईएमएफ वही रहेगा तो हम आइडियल सेल की बात कर रहे होंगे, है ना, वैसे घट के ये हो जाता है 1.8 वोल्ट रह जाता है, आइडियल सेल का यही रहता है, कम्प्लीटली चार्ज रहता है उस टाइम ये रहता है, और जब डिस्चार्ज हो जाता है तो यही रहता है, प्रैक्टिकली ये चीज़ रहती है, क्योंकि इसका अपना रेजिस्टेंस रहता है, पहले भी बात की थी हमने प्राइमरी सेल में, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है जो भी इलेक्ट्रोलाइट इसमें है, है ना। तो हम करते क्या हैं यहाँ पर, ये जो हमने प्लेट ली है, जो भी इलेक्ट्रोड लिए हैं, इनको बढ़ा देते हैं, ज़्यादा चार्ज हमको इकट्ठा कराना है इन दोनों ही प्लेट्स पर, तो करते क्या हैं, इन प्लेट का नंबर्स बढ़ा देते हैं, इससे क्या होता है, इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये क्लियर समझ में आ गई होंगी आपको, रिडक्शंस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ पर, और ये इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही केसेस में। कैपेसिटी की बात कर लेते हैं अब, चलिए ओके, कैपेसिटी क्या रहती है इसकी, कैसे पता करते हैं कि कौन सा सेल अच्छा है, 2.05 ईएमएफ तो रहेगा ही रहेगा, चाहे कम चार्ज हो उसके पास या ज़्यादा चार्ज हो, थोड़ी देर में ही डिस्चार्ज हो गया और बहुत देर में डिस्चार्ज हुआ, तो दो तरह के लेड एक्यूमुलेटर हो सकते हैं, और दोनों के ईएमएफ वही रहेंगे, दो दो वोल्ट के ही रहेंगे, लगभग 2.05 वोल्ट के, लेकिन चार्ज किसके पास ज़्यादा होगा, चार्ज ज़्यादा करने के लिए हम इसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ाते हैं, तो कैपेसिटी को हम जब मेज़र करते हैं, इसका जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी उसको हम एम्पियर आवर इसमें मेजर करते हैं, एम्पियर आवर में मेजर करते हैं, एम्पियर ए एच। आपने बैटरीज पर लिखा देखा होगा अपने घरों में, जो बैटरी होती है लगभग 100 एएच या 150 एएच कुछ इस तरीके से, है ना, तो वो उसकी कैपेसिटी होती है। इसका मींस ये है कि अगर हम इसे, इस 2 वोल्ट का ही है ये, इससे अगर हम 10 एम्पियर करंट ले रहे हैं, 10 एम्पियर करंट अगर हम इसे ले रहे हैं, कुछ ऐसा रेजिस्टेंस हमने लगाया, ऐसा बल्ब लगाया कि जिससे कि 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इसमें, तब उस कंडीशन में ये, इसका मींस ये होगा कि ये 15 आवर तक हमको 10 एम्पियर करंट देगा ये सेल, इसका मींस ये होगा, ठीक है।
या फिर कहें अगर हम इससे 10 एम्पियर की जगह हमने 15 एम्पियर करंट लिया, ठीक है, तब उस कंडीशन में ये कितनी देर चलेगा, 10 आवर चलेगा, ठीक है, क्योंकि 15 × 10 = 150। तो कुछ इस तरीके से हम कैपेसिटी पता करते हैं सेल की। तो सेल की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, ईएमएफ तो यही रहेगा, ईएमएफ चेंज नहीं होगा। कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम प्लेट्स को बढ़ा देते हैं। अब प्लेट को बढ़ाने का प्रोसेस क्या रहता है, देखिए एक प्लेट तो ये है ही, बहुत बड़ी प्लेट तो ले नहीं सकते क्योंकि फिर वो जो साइज है उसका बहुत बड़ा हो जाएगा। तो प्लेट को बढ़ाते हैं, एक प्लेट ये है, इसके साथ एक और प्लेट, फिर एक और प्लेट, साइड बाई साइड हम प्लेट रखते हैं। अब साइड बाई साइड प्लेट रखते किस तरीके से हैं वो देखते हैं। एक ही साथ नहीं रख सकते क्योंकि जितनी भी प्लेट्स हम रखेंगे तो एक दूसरे को रिपेल्ड करेंगी ये, क्योंकि सभी के पास नेगेटिव चार्ज आएगा। ऐसे ही इसके ऊपर एक 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 करके बहुत सारी प्लेट्स रखेंगे तो सभी के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो सभी प्लेट्स एक दूसरे को रिपेल्ड करेंगे, तो जो भी हम जिस कंटेनर में रखेंगे तो वो फैलेगा वहाँ से, वो है ना, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा क्योंकि जैसे जैसे रिपेल्ड करेंगे तो वो बात होगी, ठीक है। तो रखने का जो तरीका है वो कैसे रहता है, इनको हम अल्टरनेट रखते हैं, पहले एक लेड की फिर दूसरी PbO2 के बीच में एक सेपरेटर लगाते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल लगाते हैं, ठीक है। तो वो चीज देखते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मीन सिंपल सी बात कि प्रैक्टिकल जो बैटरी होती है हमारे घरों में वो कैसे होती है, कैसे बनाते हैं उसको, बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपको समझ आएगा क्लियरली कैसे बनती है वो बैटरी, है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ये इसका। देखिए ये जो चार्जिंग का डिस्चार्जिंग का केस था, ये चार्जिंग का केस था, तो इसे तो हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, है ना, इसे रिमूव कर लेते हैं, चलिए इसकी अब यूज़ है नहीं। चार्जिंग तो समझ में आ ही गई आपके, है ना, तो चार्जिंग समझ में आ ही गई है। तो देखिए अब बात कर लेते हैं, ये हमारा क्या है, लेड एक्यूमुलेटर या फिर सेकेंडरी सेल, ठीक है, ये सिचुएशन में है नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, और इस बल्ब लगा के इसे हम ग्लो कराते हैं। तो बनाने के लिए सिंपल सी बात है, इसकी कैपेसिटी बढ़ानी है हमको। देखिए सिंपल, ये जो एम्पियर आवर है ना, ये है क्या, ये आई है और ये टी है, तो ये ओवरऑल क्या है, दिस इज चार्ज, क्यू ही तो है, तो चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा कैपेसिटी होगी, है ना, तो चार्ज जितना ज़्यादा होगा दोनों ही इलेक्ट्रोड्स पर, और चार्ज कैसे बढ़ाएंगे, प्लेट बढ़ा देंगे, है ना, पीवी की बहुत सारी प्लेट लेंगे। देखिए कैसे लेते हैं, एक बुक फिर दूसरी बुक तीसरी बुक, एक बुक रख ली, ठीक है, उसके ऊपर एक और बुक रख दी, एक और बुक इस तरीके से, ठीक है, साइड बाई साइड एक के ऊपर एक, तो ऐसे रखते हैं हम प्लेट्स को, है ना, उसे देख लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले ये पीवी की प्लेट ली हमने, ठीक है, ये हमने एक प्लेट ली सबसे पहले लेड की, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से पूरा प्लेन होगा एक, है ना, तो दिखाया कुछ इस तरीके से, पीवी की एक प्लेट है ये। फिर हम इसके ऊपर लगाते हैं एक सेपरेटर, रख देते हैं, एक प्लेट रखी कुछ इस तरीके से, एक प्लेट रखी फिर इसके ऊपर सेपरेटर, फिर तीसरी प्लेट, फिर सेपरेटर, फिर चौथी प्लेट, कुछ इस तरीके से चलेगा, ठीक है। ये प्लेट है पीवी की लेड की, इसके ऊपर लगाएंगे एक सेपरेटर, सेपरेटर होगा किसी इंसुलेटिंग मटेरियल का, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल का एक और प्लेट हमने यहां पर रख दी इसके ऊपर, और जाली होती है वो, है ना, नेट होता है, नेट टाइप का, जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट पास होता रहे इधर से उधर, है ना, इसमें जाली बनी रहती है, कुछ इस तरीके का होता है ये जो सेपरेटर है, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल का। अब वो हम इसके ऊपर रख देते हैं, ये प्लेट है लेड की, लेड की प्लेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये एक प्लेट है लेड की, ठीक है, ये लेड की प्लेट है, इसके ऊपर एक सेपरेटर लगाया इंसुलेटिंग मटेरियल का, फिर इसके ऊपर एक हमने PbO2 जो लेड परोक्साइड है इसकी प्लेट रखी, लेड परोक्साइड की प्लेट फिर हम रखेंगे, क्लियर है बात। देखिए एक के ऊपर एक अल्टरनेट रख रहे हैं, पहले हमने पीबी की लेड की रखी, फिर सेपरेटर लगाया, फिर एक और हमने
PbO2 की प्लेट रखी, एक और नहीं पहली फर्स्ट लेड परोक्साइड की प्लेट रखी, फिर सेपरेटर लगाएंगे, सेपरेटर ये दिस इंसुलेटिंग मटेरियल का होता है ये, फिर लगा दिया, ठीक है। फिर इसके ऊपर एक और अल्टरनेट, पहले अभी ये हुई थी PbO2 की प्लेट, तो अब लेड की प्लेट होगी, ओके। इसके ऊपर हमने फिर से एक और लेड की प्लेट लगा दी, फिर से एक और सेपरेटर लगाएंगे, ऊपर रख देंगे उसके प्लेट के, क्योंकि जाली तो होती है बीच में, तो इलेक्ट्रोलाइट दोनों से अक्रॉस होता रहेगा, इधर से उधर इलेक्ट्रोलाइट पास होता रहेगा, मीन्स उसमें डिप रहेंगे, अभी डिप करेंगे इनको, ठीक है। सेपरेटर लग गया, अब किसकी लगाएंगे, फिर से जो ब्लैक वाली जो लगा रहे हैं हम, वो है क्या, PbO2 यानी कि लेड परोक्साइड वाली, क्योंकि ये PbO2 ब्लैक लिया है तो ब्लैक वाली ले लेते हैं, ठीक है। सेपरेटर फिर ब्लू वाली पीबी की, फिर सेपरेटर, फिर से यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये जो प्लेट है ये है किसकी, ये पूरी प्लेट होती है, इसमें जाली नहीं होती, ठीक है, पूरी कंप्लीट प्लेन होता है ये दोनों ही प्लेट, लेकिन इसमें नेट होता है, नेट टाइप होता है सेपरेटर, ये है सेपरेटर, ठीक है। दिस इज PbO2 लेड परोक्साइड प्लेट, PbO2 इलेक्ट्रोड, और दिस इज PB, ठीक है, ब्लू वाला। अब फिर से एक और सेपरेटर लगाएंगे, कितने हो गए, तीन तीन ले लेते हैं, एक दो, हाँ अभी तीन नहीं हुए, एक और सेपरेटर हमने लगाया दिस, और फिर रखी हमने यहाँ पे ब्लू वाली, है ना, ये ब्लू वाली, फिर से PB वाली प्लेट जो लेड की है, फिर से सेपरेटर लगाएंगे, ठीक है। अब सेपरेटर क्यों लगाते हैं, है ना, बताएंगे अभी क्यों लगाते हैं। अब फिर रखेंगे ब्लैक वाली, एक के ऊपर कुछ एक इस तरीके से हम रखते गए, अभी बात करेंगे सेपरेटर क्या है, क्यों लगाते हैं सेपरेटर को, है ना। अब देखिए इस पूरे जो भी हमने प्लेट रखी है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इन सभी को हम एक उसमें रख देंगे, अब कंटेनर में, वेसल में, किसी भी प्लास्टिक का, है ना, जो बैटरी में होता है ना, उसमें, और इसमें फिल्ड कर देंगे इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये बीच में सेपरेटर है, जाली है, तो वो जाली से ये जो डिप कर देंगे इसमें ना, इन सभी प्लेट्स को। अब देखिए यहाँ पर कि जो हमने बनाई हैं ब्लू वाली, इनको सभी को एक जगह कनेक्ट कर देते हैं, ये लाइक दिस, ब्लू वाली जो भी हैं इनको एक जगह कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। एक ये है ब्लू वाली, ठीक है, यहाँ से कनेक्ट कैसे करेंगे, कनेक्ट करने का जो तरीका है ना, वो मीन्स एक वायर लेके हम कुछ इस तरीके से, वायर क्या होगा, एक मटेरियल होगा, कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है, और उन सब को एक जगह लिया, तो थ्री पॉइंट मिलेंगे हमको, थ्री टर्मिनल मिलेंगे, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, और एक ये मिलेगा, ठीक है। तीन प्लेट ही हैं, किसकी हैं तीनों प्लेट, PB की लाइट की प्लेट हैं तीनों ही, अच्छा। और ये जो ब्लैक वाली जो प्लेट है ना, एक ये लिया हमने यहाँ से कनेक्शन लिया, एक कनेक्शन यहाँ से लिया, और एक कनेक्शन हमने यहाँ से लिया, ठीक है, जो जो ब्लैक वाली प्लेट है, तो एक कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से इसे हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये देखिए, एक तो हमको ये मिल गया इलेक्ट्रोड, और दूसरा इलेक्ट्रोड हमको ये मिल गया, सेकेंड इलेक्ट्रोड, क्लियर है ना। जो ब्लू वाले हैं ये किसी से कनेक्ट नहीं है, एक ये वायर, एक ये वायर, और एक ये वायर, ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं ना कनेक्ट होते हुए, कनेक्ट नहीं है, कुछ इस तरीके से तीन वायर हैं ये अलग अलग, एक ये ले लिया, और एक ये ले लिया, और एक ये ले लिया, और सारे ही प्लेट के ऊपर हैं, कोई किसी से कनेक्ट नहीं है, क्योंकि 3D में दिखाने की कोशिश है, तो इस वजह से आपको डिफरेंट लग रहा है कि सभी एक दूसरे से कनेक्ट है, केवल
केवल पॉजिटिव पॉजिटिव वाली जितनी भी ब्लैक हैं इनको कनेक्ट कर दिया एक जगह, एक एंड बना दिया, और जितने भी पीवी के हैं नेगेटिव नेगेटिव वाले उनका एक एंड बना दिया, क्योंकि ये नेगेटिव है पीवी की हैं सारी की सारी प्लेट, और ये पीवी ओ2 की हैं सारी की सारी प्लेट, और ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर है क्योंकि हम बात कर चुके हैं पी वी ओ2 पॉजिटिव पोटेंशियल पर है और पी वी वाली नेगेटिव पोटेंशियल पर है। तो इस तरीके से इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है ना, और इसमें क्या भरा हुआ है H2SO4, ये इलेक्ट्रोलाइट इसमें फिल्ड है ना। और सेपरेटर क्यों लगाया है, सेपरेटर इसीलिए लगाया है क्योंकि एक पीवी की प्लेट है तो दूसरी ये नेगेटिव पोटेंशियल पर है तो ये पॉजिटिव पर है ना, दोनों ही अपोजिट पोटेंशियल पर हैं, अपोजिट चार्जेस हैं दोनों के पास, तो स्पार्क हो जाएगा है ना। स्पार्क को बचाने के लिए, स्पार्क क्योंकि चार्ज डिफ्यूज होगा तो उससे फायदा क्या होगा, तो बीच में सेपरेटर लगा देते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल का। इससे क्या होगा, देखिए अभी भी इसका जो EMF है वो 2.05 वोल्ट ही है, प्लेट्स बढ़ा दी हैं हमने है ना, बल्ब लगा सकते हैं आप इससे, कोई भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, कुछ भी आप चला सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो लेड एक्यूमुलेटर, लेकिन इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा है इसके पास, ज़्यादा टाइम तक हमको करंट मिलेगा है ना, ज़्यादा करंट हम इससे ले सकते हैं, इससे बेनिफिट रहता है, कैपेसिटी हम बढ़ा देते हैं। तो इसका अभी भी 2.05 वोल्ट ही है इसका EMF, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमारे घरों में जो बैटरी होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, तो ये 6 उसमें वो होते हैं पोर्शंस है ना, 6 पोर्शन में हम एक पोर्शन ऐसा, एक और पोर्शन, फिर एक और पोर्शन, सभी को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करके हमको 12 वोल्ट मिल जाता है लगभग। कैसे मिलता है उसको देख लेते हैं, देखिए ये क्लियर समझ में आ गया होगा आपके है ना, दोनों ही इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब किस तरीके से ये प्रिंसिपल कैसे चलेगा, देखिए आपको अच्छी तरह से पता है कि पोटेंशियल डिवाइड होता है, पोटेंशियल ही तो EMF होता है, EMF को भी तो पढ़ चुके हैं, क्या रहता है पोटेंशियल डिफरेंस रहता है दोनों ही इलेक्ट्रोड के बीच में। EMF क्या होता है सेल का, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स है ना, दोनों ही जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके पोटेंशियल का डिफरेंस होता है व्हेन एक्सटर्नली नॉट कनेक्टेड, जब ये एक्सटर्नली कनेक्टेड ना हो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हेन एक्सटर्नली नॉट कनेक्टेड, ये हमने प्राइमरी सेल में पढ़ा था अच्छी तरह से है ना। दिस ये होता है EMF, ठीक है। और EMF की अगर हम बात करें, देखिए हमने पहले भी पढ़ा था कैपेसिटर, जब पढ़ाए थे है ना, कैपेसिटर हमने कनेक्ट किया कुछ इस तरीके से, यहाँ से अगर हम V वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं तो V1 V2 V3 डिवाइड होता है, नहीं होता पोटेंशियल, तो V किसके इक्वल है, V1 प्लस V2 प्लस V3, सभी को सीरीज में कनेक्ट किया तो इनके पास भी अपना पोटेंशियल होता है, तो हम इनको सेल की तरह भी तो ट्रीट कर सकते हैं, ये सेल हैं बहुत सारे, ठीक है। तो हमको ऐड करना है पोटेंशियल, ऐड करना है तो क्या करेंगे, सभी को सीरीज में हम उनको कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे, नहीं क्या होता है, अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से। देखिए कैपेसिटर और सेल इनका डिफरेंस भी हम देख चुके थे पहले, कैपेसिटर हमको स्टेडी करंट नहीं देता है, लेकिन मैंने यहां से आपको समझाया है कि वी जो है वो सभी जितने भी पोटेंशियल है सभी का सम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही EMF रहता है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि हमें सेल्स को कनेक्ट करना है, अगर एक सेल का जो सिंबल है वो आपको जानते ही हैं, ये होता है दिस है ना। अब एक सेल ये है, दूसरा सेल हमने ये लिया, तीसरा सेल हमने ये लिया, ठीक है। तो एक सेल ये, दूसरा एक और, तीसरा एक और, तीन सेल ले लिए तो 6 वोल्ट मिल जाएगा दिस, ठीक है। 1 2 3 4 5 एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, तो यहां से हमको इसका E1 E2 E3 E4 E5 E6 तो सारे के सारे हमने ये सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ऐसे ही 6 सेल्स लेंगे हम, सभी को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, इनका जो पॉजिटिव है दिस और एक नेगेटिव है वो दिस, यहाँ से हमको जो भी हम रेजिस्टेंस लगाएंगे, ठीक है, वहाँ हमको जो EMF मिलेगा अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस
वो ईएमएफ मिलेगा इन सभी का सम। अगर ये सभी दो दो वोल्ट के हैं, टू वोल्ट टू वोल्ट टू वोल्ट टू वोल्ट टू वोल्ट, एक दो तीन चार पाँच, तो यहाँ हमको कितना ईएमएफ मिलेगा इसके अक्रॉस, ट्वेल्व वोल्ट, 12 वोल्ट हमको ईएमएफ मिल जाएगा, जो कि हमारे घरों में बैटरी होती है। तो हम ऐसे 6 सेल लेंगे और सभी को किस में कनेक्ट कर देंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो ये तो रहेगा प्रिंसिपल, और दिखाने के लिए आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, कनेक्शन जो है ये कुछ इस तरीके से रहेगा, और ऐसे ऐसे भी शो कर सकते हैं। अगर मैं एक सेल को यहाँ लूँ तो 6 सेल ले सकते हैं आप ऐसे, एक दो तीन चार पांच, और ये 6 सेल हो गए, ठीक है। वो सबसे पहले क्या था, पीवी का नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव नेगेटिव, और जो ब्लैक वाला था वो था पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और इसमें क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट। इन सभी में H2SO4 भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट है सभी में, H2SO4, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और सभी में H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइट है, H2SO4, ओके H2SO4। कनेक्ट कैसे करना है सीरीज में, पॉजिटिव को नेगेटिव से, ये रहेगा कनेक्शन, पॉजिटिव को नेगेटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से, और एक मिलेगा हमें यहाँ पर दिस, ये मिल गया पॉजिटिव और ये मिल गया हमें नेगेटिव यहाँ, ठीक है। तो जो भी हमें यहाँ यूज़ करना है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं, यहाँ आप एक बल्ब लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, और ये यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमको जो मिलेगा वो 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिलेगा, 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों ही पॉइंट्स के अक्रॉस। तो ये रहेगा सीरीज में कनेक्ट करने का सिस्टम। तो इसी तरीके के 6 हम सेल लेते हैं और उनको सीरीज में कनेक्ट करके हम 12 वोल्ट की एक लेड एक्यूमुलेटर, जो भी हमारे घरों में बैटरी होती है, उसको हम बना लेते हैं, ठीक है। ईएमएफ की बात करें, ईएमएफ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, कैसे क्या होता है ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है, द वर्क डन बाय बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज इनसाइड द बैटरी, यही तो सीखा था, ये तो समझ में आ ही गया होगा, इसे तो यहां से रिमूव कर लेते हैं भाई, ठीक है, हटाई देते हैं इसे, हटाने को तो मन नहीं कर रहा है, इसे काफी मेहनत से बनाया है 3D इमेज में, है ना। ईएमएफ की बात कर लें तो क्या है, कोई भी सेल है, पहले भी बात कर चुके हैं, इसमें इलेक्ट्रोड है सेल में, है ना। तो एक तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये पीबी का है और ये पीबीओ2 का है। तो जब भी हम कोई भी एक्सटर्नल बल्ब या कुछ भी कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव जो चार्ज है ना, ये धीरे धीरे करके कम होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँचते रहते हैं, है ना, यही तो होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है H2SO4। तो जैसे ही हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या, करंट की डायरेक्शन ये रहेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या रहेगी डायरेक्शन, ये रहेगी करंट की, यही तो रहेगी। तो कंप्लीट डायरेक्शन में करंट यहाँ पे हो जाएगा, ये कंप्लीट साइकिल हो जाएगा करंट का। चार्ज की अगर बात करेंगे हम, तो अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से मूव करेंगे, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे,
और यहाँ से नेगेटिव चार्ज मूव करना कहा जाएगा। कैसे कहा जाएगा? क्योंकि SO4- है इसमें, पूरे में भरा हुआ है SO4- माइनस सब जगह भरा हुआ है। तो यहाँ से माइनस, देखिए नेगेटिव इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन चला और यहाँ पहुँच गया, उसने पॉजिटिव चार्ज को डिफ्यूज कर दिया। फिर क्योंकि ये इलेक्ट्रोड किस में भरा हुआ है ना, सॉरी इलेक्ट्रोड किस में डिप है, इलेक्ट्रोड डिप है SO4- में। तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज मीन्स SO4- की फॉर्म में नेगेटिव चार्ज मूव करना स्टार्ट करेगा और यहाँ तक पहुँचेगा। वो कौन कर रहा है? बैटरी की जो केमिकल एनर्जी है, या फिर कहें बैटरी फोर्स। बैटरी फोर्स क्या करेगा? इस नेगेटिव चार्ज को जबरदस्ती यहाँ भेजेगा। जाना तो नहीं चाहेगा, क्यों नहीं जाना चाहेगा? क्योंकि रिपेल्ड होगा नेगेटिव चार्ज, तो रिपेल्ड होगा ना। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल है ना। जब ये एक्सटर्नली कनेक्ट नहीं था, पहली वाली जो कंडीशन थी, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नली कनेक्टेड नहीं है, है ना। इस कंडीशन में क्या है कि इक्विलिब्रियम की जब कंडीशन आ गई थी, तो जो चार्जेस हैं ये मूव करना बंद कर देते हैं, एक सर्टेन वैल्यू तक ये मूव करते हैं, फिर इसके बाद इक्विलिब्रियम आ जाता है, साइड से पॉजिटिव खड़े हो जाते हैं, यहाँ नेगेटिव खड़े हो जाते हैं। प्राइमरी सेल में सारी चीज़ें डिस्कस की थी, वही चीज़ को थोड़ा सा और बता रहे हैं, है ना, क्योंकि सेकेंडरी सेल है, इसका MEF की बात कर रहे हैं। तो फिर ये आगे नहीं मूव करते क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और बैटरी फोर्स, अब बैटरी फोर्स क्या करता है? अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज तो इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा। नेगेटिव चार्ज कहाँ जाना चाहेगा? वो इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा नेगेटिव चार्ज, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, है ना। तो सब जगह होगा, यहाँ भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेगेटिव चार्ज जाना इस डायरेक्शन में चाहेगा, लेकिन बैटरी उसको जबरदस्ती इस डायरेक्शन में भेजेगी। बैटरी फोर्स से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुँचाएगी, बैटरी किस फोर्स से? बैटरी फोर्स से, FB बैटरी फोर्स लगाएंगे, बैटरी फोर्स लगाएगी अपना, तो बैटरी फोर्स इसे यहाँ पहुँचाएगी। सिंपल, अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज मूव कैसे करेगा? कंप्लीट यहाँ से पॉजिटिव चार्ज मूव करके, पॉजिटिव मूव नहीं करता वैसे, हम अगर बात करें तो हैवी आयंस होते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से मूव करके यहाँ पहुँचेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करेगा, फिर यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज H+ आयंस हैं उसकी फॉर्म में, वो इधर जाएंगे। कैसे जाएंगे? बैटरी फोर्स से जाएंगे जबरदस्ती, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेचुरली तो नहीं जाएगा ना इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, नहीं जाएगा, लेकिन बैटरी फोर्स से वो जाएगा। बैटरी फोर्स से पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो जो बैटरी फोर्स है पर यूनिट चार्ज कितना वर्क कर रहा है, यही होता है EMF, वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाई बैटरी फोर्स इज EMF, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज को यहाँ भेजने में कितना वर्क कर रही है बैटरी, तो हर बैटरी अलग अलग वर्क करती है, तो यही होता है EMF। और कब? जब ये एक्सटर्नली कनेक्टेड ना हो उस कंडीशन में। कैसे? जब ये एक्सटर्नली कनेक्टेड नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो बैटरी फोर्स है तो इस डायरेक्शन में, तो अगर नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं हम, ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो फोर्स लगेगा वो तो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, और इस डायरेक्शन में लगेगा बैटरी फोर्स, क्योंकि बैटरी इसको जबरदस्ती भेजेगी यहाँ पर, जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, उससे बैटरी फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। जब इक्विलिब्रियम होगा तो ये दोनों ही बराबर होंगे, तो नेक्स्ट चार्ज यहाँ नहीं पहुँच पाता, यही रीज़न रहता है कि FB और FE सेम रहते हैं उस टाइम पे। ये पहले भी बात कर चुके हैं, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, जिससे कि EMF आपको जनरलाइज हो जाए, आपके बिहेवियर में आ जाए, है ना, बार बार बता रहा हूँ मैं। प्राइमरी सेल में पूरा डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ देखेंगे पूरा उसका आपको कंसेप्ट मिलेगा। तो FB और FE इक्विलिब्रियम की कंडीशन में बराबर रहते हैं जब ये एक्सटर्नली कनेक्टेड नहीं होते, ठीक है, इसीलिए नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज यहाँ नहीं जाता, नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज यहाँ नहीं जाता। किसी एक के लिए समझ रहे हैं, कन्फ्यूज हो जाओगे, एक के लिए समझ लेते हैं, नेगेटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ भेज रहे हैं बस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भगाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है ना नेचुरली, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि कहीं पॉजिटिव चार्ज है तभी तो ये यहीं रहना चाहेगा ना पॉजिटिव के पास, क्यों जाएगा इधर? बैटरी भेजेगी उसे, लेकिन बराबर हो जाते हैं, इसीलिए फिर से न्यू कमिंग चार्ज नहीं पहुँच पाता। जैसे ही हम बल्ब लगाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, एक को डिफ्यूज करता है, तो फिर से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कम हो जाता है, फिर
ये कम हो जाता है, एफ भी बढ़ जाता है, तो फिर से एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी कम हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स कम हुआ तो बैटरी का फोर्स डोमिनेट कर गया, बैटरी का फोर्स डोमिनेट कर गया तो उसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भेज दिया, तो फिर से यहाँ चार चार हो गए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया उतना ही ज़्यादा, है ना, इनडायरेक्टली यही तो रहता है, यही हमने प्राइमरी सेल में सीखा था। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ही हम बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में बैटरी ने पर यूनिट चार्ज भेजने में जितना वर्क डन किया वो क्या है, उसका ईएमएफ है। कैसे निकलेगा वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर इन दोनों ही इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस डी है, ठीक है, तो वर्क डन बाय बैटरी फोर्स इनटू डी अपॉन क्यू, ये हो जाएगा, ठीक है, बैटरी फोर्स कितना वर्क कर रही है। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में तो बैटरी फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर है, ठीक है, तो एफ बी एफ ई के इक्वल हो जाएगा, एफ ई इंटू डी अपॉन क्यू। अब एफ ई क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो क्यू इंटू ई होता है, ये क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी अपॉन क्यू, एफ ई की जगह क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ई इंटू डी, पहले भी बात कर चुके थे प्राइमरी सेल में सारी चीज़ें। ई इंटू डी क्या है, पोटेंशियल है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, यही तो होता है ई इंटू डी, पोटेंशियल डिफरेंस, इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं। तो ईएमएफ कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस किस किस के बीच में, दोनों ही इलेक्ट्रोड के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ इलेक्ट्रोड्स, ये होता है ईएमएफ, ठीक है, व्हेन एक्सटर्नली नॉट कनेक्टेड। या तो बताओ पोटेंशियल ईएमएफ क्या होता है, दो डेफिनेशन होती है पोटेंशियल की, एक तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय बैटरी फोर्स, और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स व्हेन एक्सटर्नली नॉट कनेक्टेड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स या फिर बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन एक्सटर्नली नॉट कनेक्टेड, उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही ईएमएफ होता है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं ईएमएफ, ऐसे भी निकाल सकते हैं ईएमएफ, है ना, तो कंप्लीट में हम फ्लो करा देते हैं, जो भी चार्ज होता है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पहुँचेगा, और यहाँ से फिर H प्लस आयन, क्योंकि इसमें पूरे भरे हुए हैं, यहाँ से यहाँ H प्लस आयन पहुँचेगा, ऐसे ही H प्लस के लिए समझा सकते हैं इस पूरे प्रोसेस को, इधर भेजेगा नेचुरली H प्लस किधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग मूव करेगा, एफ इधर लगेगा, लेकिन बैटरी इसको इस डायरेक्शन में बैटरी फोर्स लगाएगी, ठीक है, तो जब ये एक्सटर्नली नॉट कनेक्टेड होंगे तो ये दोनों बराबर होंगे, जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव से कम हो जाएगा, तीन तीन है के मान लीजिए, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, एफ ई कम रह जाएगा, है ना, बैटरी फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, डोमिनेट करेगा तो ये बैटरी फोर्स इसको यहाँ पहुँचा देगा, फिर से यहाँ प्लस जा जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव एक कम हो जाएगा, है ना, वो नेगेटिव कैसे आएगा, यहाँ से पॉजिटिव जाए यहाँ पहुँच गया, यहाँ से एक सल्फेट आयन पहुँच जाएगा, वो उसको नेगेटिव दे देगा, यहाँ से इसको पॉजिटिव दे देगा, सिंपल सी बात। तो यही रहता है प्रोसेस, कंप्लीट जो प्रोसेस रहता है, पॉजिटिव के लिए समझा सकते हैं, नेगेटिव के लिए समझा सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव यहाँ से यहाँ तक मूव करके आ गया, फिर यहाँ से पॉजिटिव यहाँ तक पहुँच गया, तो कंप्लीट साइकिल दोनों की होगी, पॉजिटिव की भी होगी नेगेटिव की भी होगी, ठीक है। सो दिस इज द ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी सेल, या फिर कहें लैड एक्यूमुलेटर। तो कैसे निकालेंगे, दोनों ही इलेक्ट्रोड्स के जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, जब वो एक्सटर्नली नॉट कनेक्टेड है उस कंडीशन में ईएमएफ होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये है तरीका पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपके, दो दो वोल्ट की छह सेल लगा देते हैं तो 12 वोल्ट की हमको बैटरी हमारे घरों में मिल जाती है, उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो कैपेसिटी समझ में आ गई आपको, एम्पियर आवर में हम उसे लेते हैं, और तो कुछ इसमें बचता है नहीं, सारी चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस कर ही ली हैं, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह सब कुछ, कब ये डिस्चार्ज होता है, कब ये कंप्लीट डिस्चार्ज होता है ना, तो सारी चीज़ें आ ही गई हैं इसमें। कैपेसिटी कैसे बढ़ानी है, प्लेट्स बढ़ा देते हैं, है ना, प्लेट्स बढ़ा देते हैं और अल्टरनेट प्लेट रखते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, बीच में सेपरेटर लगा देते हैं, जिससे कि दोनों ही प्लेट जो है स्पार्क ना करें, क्योंकि जो चार्ज बनेगा वो न्यूट्रलाइज ना हो, ओके। तो ये कुछ इस तरीके से हम लैड एक्यूमुलेटर को बनाते हैं, और जो हमारे घरों की बैटरी है वो हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी देती है, केमिकल एनर्जी से बार बार हम उसे चार्ज कर सकते हैं और डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो यही प्रोसेस रहता है सेकेंडरी सेल का। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन लिक्विड का ये लास्ट पार्ट था, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन लिक्विड यहाँ पे फिनिश होता है, है ना, सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, सेल की इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ लिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ लिया कम्प्लीटली, प्राइमरी सेल देख लिया, सेकेंडरी सेल देख लिया हमने, लैड एक्यूमुलेटर देख लिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट होगा, हमने बात की थी, देखिए इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक करंट की बात की थी, वहाँ हमने बताया था इलेक्ट्रिक करंट का हम फ्लो देखेंगे, पहले लिक्विड में देखेंगे, फिर गैसेस में देखेंगे, इसके बाद मटेरियल्स में देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो होगा, ये तो कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो लिक्विड से, तो कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कंप्लीट,
स्टडी। अब जो है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन गैसेस। गैसेस में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कैसे होता है, तो एक लेक्चर आएगा छोटा सा, ठीक है, वहाँ हम समझ लेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन गैसेस। फिर इसके बाद जो मेन आपका जो सिलेबस है सीबीएसई वाला या फिर आपके जो बोर्ड का सिलेबस है उसमें आ जाएंगे हम। देखिए ये सारी चीज़ें सीखने से क्या है कि हम प्रैक्टिकली हमारा जो दिमाग है वो खुलेगा, चीज़ों को हम समझेंगे कि प्रैक्टिकली कैसे होती हैं, है ना, आप इनको अप्लाई कर पाएंगे दूसरी चीज़ों पर। सिलेबस में नहीं है ये चीज़ें, सेकेंडरी सेल नहीं है सिलेबस में, लेकिन यहाँ से हमने ईएमएफ का पूरा कंसेप्ट समझा, बेस समझा ईएमएफ का, ईएमएफ क्या होता है कैसे मेंटेन रहता है। डायरेक्ट समझते आप ईएमएफ को तो आपके समझ में नहीं आता कि किस तरीके से मेंटेन रहता है, वो मेंटेन हमने दोनों में ही समझा, प्राइमरी सेल में भी समझा और सेकेंडरी सेल में भी समझा कि ईएमएफ मेंटेन रहता कैसे है, ठीक है। बैटरी फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों बराबर रहते हैं, ठीक है, वो मेंटेन रखते हैं ईएमएफ को, किसी भी सेल के ईएमएफ को, है ना, अभी समझा था। एफपी और एफई इक्वल रहते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, जैसे ही कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नली फिर से वो एक कम हो जाता है एक बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो जाता है बैटरी फोर्स बढ़ जाता है, तो फिर वो एक और चार्ज भेज देता है, इससे मेंटेन रहता है ईएमएफ, है ना। ईएमएफ क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस है दोनों ही इलेक्ट्रोड्स के बीच का। तो ये सारी चीज़ें आप डायरेक्ट समझते तो आपकी समझ में नहीं आती, ईएमएफ समझ में नहीं आता, आ जाता लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। सारे कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिए हैं, प्राइमरी सेल से भी सेकेंडरी सेल से भी हर जगह से हमने ईएमएफ को समझ लिया है, ठीक है। तो ईएमएफ यहाँ क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो देखेंगे अब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन गैसेस, बता ही दिया मैंने, उसी को स्टडी करेंगे। इसके बाद जो हम देखेंगे वो होगा मेन जो हमारा सिलेबस है मटेरियल वाला, मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स जो भी हैं कैसे किस तरीके से ड्रिफ्ट करते हैं, कैसे फ्लो होता है मटेरियल्स में इलेक्ट्रिक करंट का, वहीं से हमारा मेन जो सिलेबस है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी तक जो हमारा चल रहा था वो कॉन्सेप्ट चल रहे थे, सेल्स चल रहे थे, आपका केमिस्ट्री में भी थी सारी चीज़ें, लेकिन हमको प्रॉपर रखनी थी सारे अपने, ठीक है, सारे वीडियोस रखने थे हमको, जिससे कभी भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी बेस देखना है किसी भी चीज़ का, वो हम किसी भी वीडियो को देख के समझ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन गैसेस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।